नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे गार्डन में। और दोस्तों, आज मैं सदाबहार के ऊपर वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। और अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक ज़रूर पहुँचे। और ये सदाबहार का पौधा दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हर घर में होता है, हर जगह होता है, सड़क के किनारे घरों में, और बहुत आसानी से लग जाता है और बहुत बढ़िया फायदेमंद औषधीय ये पौधा है। ये जो है आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो पत्तियां हैं दोस्तों, ये देखिए, ये अगर इसकी दो पत्तियां ले ली जाएं और सुबह खाली पेट शुगर में, डायबिटीज में जैसे खा लें, या इसको पीस के इसका रस पी लें, इसका रस जैसे पी लें, और बहुत फायदेमंद होता है। और ये पौधा हमारा सदाबहार ही इसका नाम है। सदाबहार 12 मास 12 महीना जो है ये हमारे गार्डन में बना रहता है और सड़क के किनारे भी बहुत लगे रहते हैं ये। और ये सबसे बड़ी बात, ये कटिंग्स लग जाता है। जैसे इसकी छोटी सी एक ब्रांच लेके, ये देखिए, ये छोटी ब्रांच एक लेके ये इसकी पत्तियां तोड़ लें ऐसे, और कहीं मिट्टी में ऐसे दबा दें, ये देखिए ऐसे मिट्टी में दबा दें तो बड़ी आसानी से लग जाता है। और जैसे मुहासे हुए हैं, कील मुहासे, तो उसको भी ये पीस करके, ये पत्तियां जो है पीस करके, और उसका रस कोई रुई ले लें, उससे आराम से जैसे लगाएं अपने उसमें, तो बहुत बढ़िया से दाने जो है इसके ख़त्म हो जाते हैं। और चेहरे पे लगाने के लिए जो स्किन है, चेहरा है, वो एकदम खिला खिला रहता है। और आदमी का जैसे एकदम चेहरा जो सिकुड़ जाता है, इससे ये सब नहीं होता। बहुत बढ़िया से जो है चेहरा का स्किन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिस तरह से हम एलोवेरा को लगाते हैं अपने बालों में, अपने चेहरे पे, उसी तरह से इसको भी पीस के और छान लें और उसी तरह से चेहरे पे लगाएं। और जैसे दांत खाद खुजली है, उसमें भी होता है। और दोस्तों एक चीज़ बताएं कि जैसे ये आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कैंसर भी होता है शुरुआती तौर पर, हो जाने के बाद ज़्यादा नहीं, जैसे शुरुआती हो, तो उसमें भी इसको लेने से, पीस करके छान के इसका रस पीने से वो भी ख़त्म हो जाता है। और बहुत बढ़िया से ये हमारा पौधा आसानी से लग जाता है। और बड़े गमले में लगा दें, 8 इंच के, 10 इंच के, 12 इंच के, तो और घना हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 5-6 इंच के पॉट में लगाया है, कितना बड़ा पौधा चल रहा। और ये बीज से भी हो जाता है, इसमें बीज भी बनते हैं। ये देखिए आप सब, ये फलियाँ भी आ रही हैं। अब यही जब पक जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, तो ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप सब, ये जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इससे बीज बनेंगे और हम पौधा फिर से उगा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, ये नान नान, अभी पके नहीं हैं इसलिए दिख नहीं पा रहे हैं। और मैंने छोटे छोटे पॉट में, क्योंकि ये बालकनी है, ग्रिल में बांध रखा है, तो आप सब देख सकते हैं वहाँ से, वो यहाँ तक ये लगा रखा है मैंने। और एक पौधा ये लगाया है, ये देखिए, ये भी लगाया है। और इधर देखिए आप सब, एक मैंने ये छोटी सी बोतल में, और कितना अच्छा से फूल, ये देखिए आप सब कितना फूल दे रहा है। जबकि अभी तीन महीने पहले मैंने लगाया है कटिंग से इसको, और इधर भी मैंने कटिंग लगा रखी है। ये देखिए, ये छोटी छोटी, अब इसमें भी फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये एकदम पकड़ ली है सब, 5 पौधा मेरा तैयार हो गया है इसमें भी। लेकिन इसको मैं, किसी को ज़रूरत होगी तो दे दूँगी, ज़रूरतमंदों को लगा लेंगे, क्योंकि मेरे गार्डन में तब जगह है नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं लगाऊँगी। और ऐसे छोटी सी कटिंग ऐसे लगा लेते हैं, ये देखिए आप सब, ऐसे मिट्टी में दबा दें ऐसे,
ये थोड़ा मुरझा गया, मैंने हाथों में लिया था, तो ऐसे मिट्टी में दबा देंगे ऐसे करके ऐसे, और ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन छाया में रखें, जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो जहाँ धूप न आती हो वहाँ रखें, और या तो बरसात में लगा लें, सर्दियों में बहुत अच्छे से लग जाता है। और इसको, इसके फूल पत्ती सब कामयाब हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं जाता। फूल भी बहुत काम के हैं, ये चेहरे पे लगा सकते हैं, इसका रस जैसे निचोड़ के पीस के, और बालों में भी लगा सकते हैं, जिसके बाल झड़ते हों इसको पीस के साल के, और कॉटन से जैसे अपने बालों में लगा लें तो बाल जो है झड़ेंगे नहीं और एकदम घने काले बने रहेंगे। बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है बालों के लिए और चेहरे के लिए बहुत लाभदायक है, इससे तो विज्ञान भी हैरान है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने गार्डन में ऐड करें जो नहीं लगाए हों, ये बहुत काम की चीज़ है। सदाबहार का पौधा हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आप सब ज़रूर इसको इस्तेमाल करें और अपने गार्डन में लगाएं, कटिंग्स लगाएं, मालिश ले आएँ लगाएं। ये मैं एक पौधा ले आके मालिश लगाई थी और आप सब देख सकते हैं कितने पौधे मैंने कटिंग से बना लिए हैं। सजाएं और फूल भी लें, फूलों का भंडार है ये, और इसके अंदर इतना गुड़ है कि ये आयुर्वेद औषधियों से भरा हुआ है, ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। फोड़ा, फुंसी, मुहासे, दांत खाज और शुगर में बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ थोड़ा से कड़वा होता है, लेकिन कड़वी चीज़ तो और फायदे होती है मीठी चीज़ से। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें और चैनल पर बने रहें और बेल को ज़रूर प्रेस किया करें जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँचे। और इस पौधा को अपने आंगन में, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें जिससे आप इसका लाभ उठा सकें और ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो ये बहुत प्यारा प्यारा फूल देता है, सुंदर लगता है हमारे गार्डन में, और जो भाई बहन हमारे जैसे डायबिटीज के मरीज हैं वो इसको सुबह खाली पेट ले भी सकते हैं, चाहे पत्तियां चबा लें धो के और चाहे इसका रस बना के 4-5 पत्ती और उसका रस पी लें और फोड़े वहाँ से सब ठीक हो जाएंगे। और ज़रूर इस पौधे के लगाएं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।